खुशामदीद, आप देख रहे हैं टू फिल्मी ऑन नया दौर लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास अबी ब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं उमर सईद। आपको अगर हमारा लास्ट एपिसोड देखा है तो उसमें उमर ने कुछ बातें की थी द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में। द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज कि दिस इज गोइंग टू बी एन एवरेज मूवी, एंड द सेकेंड थिंग ही सेड वाज कि ये अपना जो बजट है, जो कॉस्ट है, वो शायद रिकवर ना कर सके। तो उमर, मैं आपको सलाम पेश करना चाहूंगा। मैंने कल रात चूंकि मूवी देख ली है तो ये मैं आपको बता सकता हूँ, द मूवी इज एवरेज, यू वर राइट। और वो मैं उसको उसकी डिटेल्स आगे चल के बताऊंगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि द मूवी इज एवरेज। लेकिन ये जो है, ये वाले मामला हो गए हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो टिकटिंग के इसके मामला हैं, क्योंकि जो जो कम अज कम टिकट बिक रही है वो तकरीबन 1,000 रुपए की है, जो मैंने एक सिनेमा में देखा है। और बाकी सिनेमाज ने तो अपनी फेसबुक पे पोस्ट लगाई है कि हमारे पास इसके राइट्स नहीं है, हम मूवी खरीद नहीं सके तो हम दिखा नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि कोई कहते हैं कि 65 से 75 जो स्क्रीन्स हैं उस पे तो मूवी चल ही नहीं रही। तो अब वो जो आपने बात की थी उस वक्त कि देर इज एन इशू कि अपना जो बजट है, जो कॉस्ट है, वो भी शायद रिकवर ना कर सके, तो वो लगता यही है कि इस तरफ जा रहा है। फिर ये कुछ फिगर्स भी आती हैं कि जी इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, वो भी चीज अपनी जगह है। तो अभी आप मुझे ये बताएं ना उमर, कि ये जो कॉस्ट वाला मामला है, ये जो अभी सिचुएशन सामने आ रही है, जो सिनेमाज नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर ये किस तरह ये अपनी कॉस्ट जो है उसको रिकवर कर सकेगी? अस्सलाम वालेकुम वकास। पहली बात तो ये कि यू डिड ग्रेट जो आप इतनी जल्दी जाके मौला जट देखा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते थे कि हम 2 हफ्ते बाद देखेंगे क्योंकि टिकटिंग प्राइसिंग की वजह से उसकी। और अब खैर उसी पे भी हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ दिनों से हम फॉलो कर रहे थे, आपके साथ भी वो शेयर कर रहा था, मैं भी देख रहा था उस चीज़ों को कि इसकी इनके सिनेमा ऑनर्स के साथ थोड़ा सा इशू चल रहा था। अभी भी कई सिनेमा ऑनर्स ऐसे हैं जिन्होंने इनकी फिल्म नहीं लगाई है, क्योंकि ये कह रहे थे, इनके प्रोड्यूसर ये कह रहे थे कि आप हमारे टिकट्स महंगी कर दें ताकि हमें जो शेयर है उसका वो ज़्यादा आ सके। कुछ में ये भी सुनने में आया कि वो पूरा का पूरा हॉल ले खरीदना चाह रहे थे तो बाद में अपनी मर्जी से टिकट बेचना चाह रहे थे। तो उनकी जो टिकटिंग की प्राइस है वो कुछ सोर्सेज कहते हैं कि 20% ज्यादा है, कुछ कहते हैं 50% ज्यादा है, मतलब इस तरह से उन्होंने कुछ बताना शुरू कर दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमूमन 1,000 रुपये की टिकट है, वो भी वो टिकट है जो बड़ी आगे मिलती है आपको, और जो अगर पीछे जाना शुरू कर देंगे तो 1,500-2,000 रुपये की टिकट है। वैसे जनरली उस सिनेमा की टिकट 700 या 1,000 रुपये होगी। तो इनका मसला चल रहा था, और खैर इस पे आई थिंक बड़ी बात करने की जरूरत है, और आप भी डेफिनेटली इसमें अपना बड़ा बेहतर ओपिनियन दे सकते हैं। वो ये कि मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों किया इन्होंने, क्यों इन्होंने अपनी प्राइस बढ़ाने पर तवज्जो दी। देखें, आप एक बिजनेस कम्युनिटी में एक एग्जांपल दी जाती है कि भाई एक चीज़ आप 1,000 रुपये की लो, एक बंदा उसको 2,000 रुपये की बेचना शुरू कर देगा तो वो दिन के 2 पीस बेचेगा, लेकिन अगर वही चीज़ आप 1,100 की बेचना शुरू कर देंगे तो वो बंदा वो चीज़ हो सकता है 100 पीस बेचना शुरू कर दे और उसको फाइनली ज्यादा पैसा उससे कमा ले वो। तो आप चाहते हैं कि जल्दी से पैसा रिकवर कर लें, आप चाहते हैं कि आप कम प्राइस में आप ज्यादा लोगों को फिल्म दिखा दें। मुझे समझ नहीं आई कि इनके प्रोड्यूसर्स की क्या थॉट थी, क्या मेंटेलिटी थी, क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्यों इनको लगा कि नहीं भाई हम आप टिकट महंगी कर देंगे तो भाई हम जल्दी जल्दी से पैसा रिकवर कर लेंगे। आपको क्यों जल्दी है पैसे रिकवर करने की? आप तो फिल्म दिखाएं, रक्षे वाले को भी फिल्म दिखाएं, आप तो फिल्म दिखाएं इन लोगों को भी, पंजाबी फिल्म है भाई वो देख लेंगे, आप रिक्शे वाले को दिखाएं, आप मजदूर को फिल्म दिखाएं, उसके लिए शबिस्तान वगैरह लक्ष्मी वगैरह में पास 200-300 रुपये टिकट रख लें, कोई बात नहीं, मल्टीप्लेक्स पर 600-700 रुपये टिकट, बल्कि 100 रुपये कम कर दें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जाके देखें, लोग मेरे जैसा बंदा, मिडिल क्लास, आप जैसा बंदा, हम इजिली जाके देख सकें। अब मुझे पता चला कि जी एक सिनेमा है वो 2,200 रुपये की टिकट दे रहा है। जाहिर है सिनेमा एक ऐसी चीज़ है, मेरा एक दोस्त भी कहता है कि सिनेमा एक ऐसा मूवमेंट है कि आप अकेले नहीं करते हो, ये हमेशा आप किसी के साथ करते हो, बहन के साथ करते हो, भाई के साथ करते हो, अपनी वाइफ के साथ करते हो, या किसी भी दोस्तों के साथ कर रहे होते हो। मैं 2 बंदे साथ ले जाऊं, मैं वहां पे 4,400 रुपया लगा के आ जाऊं सिर्फ और सिर्फ फिल्म पे, मेरा ख्याल मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल वारे में आती नहीं है, और आजकल जो क्राइसिस है उसमें तो बिल्कुल ये चीज़ समझ से बाहर है। आई डोंट नो व्हाट दे डिड। आप ये भी तो देखें ना कि 3-4 लोग तो आसानी से जाते हैं, फिर 3-4 लोग जो है वहां जाके पॉपकॉर्न्स और अपने ड्रिंक्स भी लेनी है, 500, 600, 700 के वो पैकेजेस हैं, तो वो भी खर्चा होना है। तो ये आई थिंक ये तो बड़ा क्लियर है कि इन्होंने, इनका एम्फोसिस इस बात पर है कि प्रॉबली जो अपर मिडिल क्लास है या लीड है वो ये फिल्म देखे। तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है, एक पंजाबी आपने फिल्म बनाई है तो आप क्यों नहीं चाहते कि एक आम आदमी जो मतवसत तबके से ताल्लुक रखता है वो भी ये फिल्म देख सके। मैं तो इस बारे में कंफ्यूज हूँ, मुझे अच्छा इसकी विकास, बिल्कुल मैं एक और, समझ नहीं आती। जी जी सॉरी, मैं एक और बात करना चाहूंगा कि रियल मौला जट क्या थी। रियल मौला जट आम बंदे की फिल्म बन गई थी,
वो एक रेडी वाले की फिल्म बन गई थी, वो एक रक्षे वाले की फिल्म बन गई थी। आपने उस फिल्म को ट्रिब्यूट पेश किया, या आपने कहा कि भाई हम उस फिल्म की लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं, और आपने वो फिल्म जी सिर्फ बुर्जुआ और अमीर लोगों के लिए फिल्म बना दी है, ये मेरी तो समझ से बाहर है। आपकी क्या मेंटेलिटी, अभी क्यों कर रहे हैं आप? तो फिल्म सस्ती दिखाएं भाई, जो आपको बाकी दिखाते हैं आप उसे सस्ती दिखाना शुरू करें। आप उनको क्या प्राइस कम कर दें यार, कोई बात नहीं, अपना शेयर कम कर देंगे, लेकिन उसका स्केल बढ़ा देना। आप स्केल कम कर ही जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि 11 दिन तक उनकी उनका एग्रीमेंट हुआ हुआ है सिनेमा के साथ, जिनके ऑलरेडी चल रही है, कि 11 दिन वो चलेगी और उसके बाद वो जो फिल्म है वो उसको उसको बाद फिर नॉर्मल प्राइसिंग पे आ जाएगी। तो लोग कहते हैं हम वेट कर लेंगे, देख लेंगे बाद में। हाँ, ये भी एक फैक्टर है, बिल्कुल। अच्छा, तो उमर, अब कहानी कुछ इस तरह है, बिकॉज आई नो कि यू हैवंट वॉच द मूवी एज येट, यू वांटेड टू गो, यू आर गोइंग टुमारो, एंड यू वांटेड कि आप चले जाते, देख लेते, और फिर आप हम ये इसकी शो की रिकॉर्डिंग कर लेते। लेकिन चूंकि मैंने देख ली है और मुझे जल्दी थी, और मैं चाहता था कि मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि फिल्म के क्या मामलात हैं, तो मैंने आपको मजबूर किया कि आप आज ही हम ये शो करें। तो अब कहानी कुछ इस तरह है कि जो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रीन प्ले है, वो एक स्ट्रगल लगती है एक बर्गर बॉय और जो आपका ट्रेडिशनल गंडासा कल्चर का जो जो लेगेसी कैरी कर रहा है एक राइटर नासिर अदीब, उसके दरमियान में। अच्छा, अब ये देखें, गंडासा कल्चर, वो पंजाबी मूवीज, हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। जो वो स्क्रिप्ट है या राइटिंग है या जो मूवीज बनी है वो सर्टन ऑडियंस के लिए है, वो उनको पसंद करते हैं, तो वो जरूर देखें, आपको पसंद है आप जरूर देखें। लेकिन जब ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना कि ये दो एक्सट्रीम्स मिलते हैं और दोनों ने मिलकर कोई चीज लिखी हुई है, तो वो आपको स्क्रीन पे ना झलकती है, आपको महसूस होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना वो कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन बहुत क्लियरली जो है ना वो बड़े पर्दे पर वो नजर आती है। कुछ जगहों पर जो है वो ऐसा हो रहा होता है कि ओए मैं ये कर दूंगा, वो भड़क वाला जो सिलसिला है। फिर कहीं पर जाकर जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं मौला जट के, फवाद खान साहब, अब आई मीन द गाय इज सो डैशिंग, तो वो मौला जट ना जितनी भी मेहनत कर ली ना वो बना ही नहीं सके उसको मौला जट, तो वो लगता ही नहीं है कि मौला जट है, वो फवाद फवाद ही है, लगता है फवाद खान जो है वो कोई करेक्टर प्ले करने की कोशिश कर रहा है। सो ये जो एक स्ट्रगल है ना वो आपको बड़ी बड़ी क्लियरली नजर आती है। उसके बाद जो पंजाबी के जो रेफरेंसेस हैं, जो पंजाबी की जो जुबान है, जो एक्टर्स ने वो उसको अदा किया है, जहरी बात है उसमें वो है, झोल है उसमें, तो ये आपको पता, हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि जी ट्रेलर में क्या पता चलता है, आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड अबाउट टू वॉच दिस मूवी, मूवी देखेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है उसमें। तो वो जब अब मैंने देख लिया तो वो महसूस इस तरह होता है कि देयर इज अ स्ट्रगल गोइंग ऑन विद विद पंजाबी एक्सेंट और डायलैक्ट। तो अच्छा, वो भी इतना मामला नहीं है कि वो आप कोई अल्फाज ऊपर नीचे हो जाते हैं। हुमैमा जो है वो अपने वालिद शफकत चीमा को प्यो कह रही हैं फिल्म में, तो मुझे नहीं लगता मैंने कभी किसी को सुना है पंजाब के गाँव में भी अपने बाप को प्यो कहते हुए, अब्बा कहते होंगे तो, या ज्यादा ही करना है तो अब्या कह लें, अब्या इधर आ, जो भी आपने अगर उसको ज्यादा ही वो लेके जाना है, ये मसला नहीं है। मसला ये कि वो जो अप्रोच है ना वो कंफ्यूज्ड है। वो जिस तरह नहीं होता कि किसी ने पूछा यार की कहते ने, और उसने कहा जी वो ऐ कहते ने, अच्छा चलो मेहमान को ऐ कह ले, सो इट जस्ट डजंट सिट वेल वहां पर। अच्छा, फिर आप जब इस तरह का टॉपिक आप ट्रीट कर रहे हैं और वो भी पंजाबी लैंग्वेज में, तो ऑब्वियसली वो आपको यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपकी स्टोरी है वो उसके जो सारे लवाजमात हैं वो फिट इन हो। ये ड्रैग्ड है, ये लगता इस तरह है कि जो स्टोरी है उसको ड्रैग किया जा रहा है, ये चलती जा रही है। तो वो एंड पे जाके एक सीक्वेंस आता है, लगता है कि ये फाइनल सीन है, लेकिन वो फाइनल सीन नहीं होता, तो वो भी एक लगता है कि अच्छा अब खत्म होने वाली है, लेकिन वो एक्चुअली खत्म नहीं होती मूवी। अच्छा, इसमें जो जो करेक्टर्स, मुझे लगा कि कुछ करेक्टर्स पे मेहनत की जा सकती थी, आप करेक्टर्स बिल्ड करते हैं उन पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, वो वाला मामला नहीं था। और फिल्म जो है वो इनिशियल जो 1 आवर है, इट्स टू डार्क, बहुत डार्क है, वो कोई लेजेंड जो है ना वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बना बुना कोई नहीं है, लेकिन वो कोशिश की जा रही है, और वो घंटे के बाद जो है ना वो थोड़ी सी
वो रोशनी आती है, एक दिन का सीन होता है। तो आई हर्ड समबडी से इन द सिनेमा कि वो शुक्र है रोशनी आई। तो वो मतलब ये भी घंटे के बाद। अच्छा, वो जब मैंने सुना तो आई टुक आउट माई मोबाइल एंड आई वॉच द टाइम कि क्या टाइम हो गया। तो वो मतलब 1 घंटा गुजर गया था उस वक्त ना मूवी को। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो थी ना वो चीजें हो रही थी। अब उसके बाद जब आप जो फिल्म के जो पॉजिटिव्स हैं उन पे जब आप नजर दौड़ाते हैं तो ये मैं आपको बताऊं। और यहां पर मैं एक और बात करना चाहता हूं। देखिए, ये रिव्यूज के बारे में ना लोग बड़े कंफ्यूज हैं। लोग समझते हैं कि अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है किसी मूवी के बारे में कोई नेगेटिव, तो वो कह रहा है फिल्म ना देखने जाओ। अच्छा, ये मुझे अप्रोच जो है ना ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है कि ये लोग क्यों ये सोचते हैं या क्यों ये समझते हैं कि अगर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है मूवी पर तो आपको कह रहा है कि फिल्म ना देखने जाओ। भाई, आप लाजमी फिल्म देखने जाएं। ये वाली जो फिल्म है द लेजेंड ऑफ मौला जट, यू नीड टू गो। और मैं किसी के रिव्यू पे ना रुकूंगा और ना जाऊंगा मूवी देखने। मैं कभी भी ये नहीं करूंगा। जिस तरह किसी किताब का रिव्यू किया जाता है, किसी पेंटिंग के बारे में बात की जा सकती है, ये आर्ट फॉर्म है। आपका कोई कोई किसी ने कोई अच्छा डांस किसी फिल्म में कर लिया है, कोई गाना ऐसा आ गया उसके बारे में एक रिव्यू किया जा सकता है, मूवी रिव्यू भी किया जा सकता है कि जी वो अच्छी थी बुरी थी उसमें क्या मामला थे। तो इस वजह से ये इसको ब्लैंकेट ना किया करें कि जी अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि जी फिल्म ना देखने जाए। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। अच्छा, आप जो पॉजिटिव्स है ना उसमें उमर, मैं आपको बताऊं कि हमजा अली अब्बासी की जो एक्टिंग है, मैं हैरान रह गया हूँ वो एक्टिंग देखकर। मुझे नहीं मालूम था कि हमजा इज सच अ गुड एक्टर। हमजा ने जो आग थी करेक्टर की उसको जो ग्रैब किया है वो उसी को लेकर चला है। उसने उसमें झोल नहीं आने दिया। फिर हुमैमा की जो एक्टिंग थी, उसका जो रोल था, आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक। उसने बहुत कमाल रोल अदा किया है। और एक सीन होता है हुमैमा और फवाद का, जो पहला मतलब दोनों का सिंगल सीन होगा, वो बहुत ही जबरदस्त था। वो उसने फिल्म को जो है ना वो उठाया ऊपर। और फिर जो सिनेमेटोग्राफी है फिल्म की, जो जो लोकेशंस हैं, जो ओवरऑल फील है, वो ग्रैंड है। सो यू नो, वो आपको पता है हमने डिस्कस किया होगा कि अभी हमें टेलीफिल्म का वो आंसर नजर आता है कि जी टेलीफिल्म की एक्सटेंशन नजर आती है मूवीज, बट दिस इज आ मूवी। मतलब ये दिस इज दी मूवी इन टर्म्स के जो उन्होंने ग्रैंड स्केल को ग्रैप करना था वो उन्होंने किया है। सो इस मामले में वो बहुत अच्छी फिल्म है। जो यू नो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, आई थॉट कि वो थोड़ा सा पंजाबी होना चाहिए, उसमें कोई पंजाबी टच होना चाहिए। वो मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स वाले जो है ना फीलिंग ज्यादा उसमें आई, बजाय कि वो कोई पंजाबी यू नो वो लेकर आते, तो वो चीज मिसिंग है। सो ओवरऑल दिस इज व्हाट माय इंटरप्रिटेशन इज कि फिल्म कैसी है और उसके क्या मामलात हैं। मुझे मेरा ये उसके बारे में ख्याल है। तो आप कितना रेट करते हैं इस फिल्म को? अगर आपको 10 में से रेट करना, ओवरऑल फिल्म को रेट करना हो, तो आप कितना करेंगे आउट 10 ऑफ में से? 5 stars आई वुड गिव इट 2.5। व्हेन आई टू एंड से हाफ एवरेज, इट इज एवरेज। ये देखें एवरेज इन फिल्म मोस्टली का, सेंस ऑफ स्क्रीन प्ले। हाँ, स्क्रीन प्ले और जो स्टोरी को आप एक डायरेक्शन ही नहीं, आपको पता ही नहीं था कि आपने इसको किस तरह ट्रीट करना है। जो डायरेक्टर की इसमें जो कमी है वो साफ नजर आती है। इसका जो यू नो कंटेंट है ओवरऑल, वो आप उसको वो बना ही नहीं सके। अच्छा, मैं भी ये भी आपको बताऊं कि इसमें कुछ जो टिपिकल हमारे लॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो भी हैं इस मूवी में। एक दो सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। तो वो उनकी जो सीन थे वो बहुत पावरफुल थे, उनकी जो डिलीवरी थी वो बहुत कमाल थी। तो यू नो इट मैटर्स कि आप किस तरह के एक्टर से क्या काम करवाना चाहते हैं। मुझे ये लगा कि जिस तरह बिलाल लाशारी के पास शायद कोई और ऑप्शन ही नहीं थी फवाद और हमजा के अलावा। आई मीन हमजा ने तो कर लिया, बट आई डोंट थिंक कि फवाद वो कर सका उस करेक्टर के साथ जो उसको इंसाफ करना चाहिए था। तो ये, और मैं ये भी आई डोंट नो इफ आई मेंशन दैट और नॉट, बट एज आई सेड हुमैमा इज द लीड इन दिस मूवी। मतलब मायरा के पोस्टर तो हैं, मायरा का समझा तो ये जाता है कि प्रोबेबली शी इज द लीड, बट मैं करेक्टर वाइज अगर बात करूं तो मैमा का जो करेक्टर है वो ज्यादा इम्पेक्ट वाला है, वो ज्यादा उसकी प्रेजेंस है स्क्रीन पर। मायरा का नहीं है उस तरह का रोल। तो ये भी बात है।
दैट्स वेरी नाइस बाय द वे, आपने बड़ा 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 रिव्यू दिया इसका और बड़ा प्रॉपर रिव्यू दिया, और आपने एक चीज़ को एक्सपेक्ट टू डिस्कस किया है. अच्छा, मैंने मेरा जो मैंने सुना है, या मैंने भी फिल्म देखी नहीं, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई मतलब आपको फिल्म देखनी चाहिए. रिव्यूज़ हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है, अपना थॉट होती है, लेकिन आपको फिल्म जाके देखनी चाहिए. और जाहिर है एक अच्छा क्रिटिसिज्म भी वो होता है जो कि एक एक जो जो उसको आगे लेके चलता है, जो कि बेहतर करता है. अच्छा, जिस तरह से आपने बात की है कि वो फिल्म बड़ी ग्रैंड और बड़ी सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है, विच इज ग्रेट. आई मीन, अगर ये आप ये इस तरह से बिल्कुल देख रहे हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि यार एक हमारी ऑडियंस को एक बड़ी अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिल रही है, जो कि मैंने दूसरे लोगों से भी सुना है कि प्रोडक्शन बहुत बेहतर है उसकी. और बिलाल इशारी की अच्छी चीज उसकी प्रोडक्शन है. मतलब आप नोट करें कि वो है ही सिनेमाटोग्राफर, उसको डायरेक्टर का वो कम है, वो सिनेमाटोग्राफर ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है. इसलिए जब मैंने पहले ही मतलब जब मैंने पिछले रिव्यू में भी ये बात कही थी कि बिलाल इशारी की फिल्म से मुझे होप नहीं होती है, क्योंकि उसकी मैंने वॉर फिल्म देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि उसकी मुझे इतनी उसकी स्टोरी पे होप नहीं थी, मुझे उसकी डायरेक्शन से मुझे होप नहीं थी, लेकिन वो सिनेमाटोग्राफर अच्छा है और वो प्रोडक्शन वैल्यू उसकी अच्छी है. उसने जो म्यूजिक वीडियोज बनाई, जो उसने काम किया, वो उसकी प्रोडक्शन हमेशा से बेहतर होती है. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उसने उस चीज पे ध्यान दिया और उसको किया, एटलीस्ट एक चीज दी है. तो ये एक अच्छी मजेदार चीज है कि उसने उस चीज को किया है. और बाकी डेफिनेटली फिल्म देख के पता चलेगा काफी चीजों को, लेकिन जिस तरह से आपने बताया और कुछ एक्टर्स ने अच्छा काम किया है, कुछ ने जाहिर नॉर्मल काम किया होगा, जाहिर हमारी इंडस्ट्री भी बिल्कुल नई नहीं है, हम हर चीज परफेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अभी इस इंडस्ट्री से. हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है. तो आई थिंक इट्स गुड कि अगर आप ये जो चीजें कह रहे हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो हम भी वही चाहते हैं कि इंडस्ट्री एक्सेल करे, तरक्की करे, कामयाब हो, बड़ी इंडस्ट्री बने. हम भी इसमें एक छोटे से स्टेक होल्डर हैं. बट दी आइडिया इज कि आपको उसके साथ साथ जो चीजें गलत हैं या वो पॉइंट आउट करना पड़ता है, कुछ करेक्शंस की आप एक्सपेक्ट करते हो कि जी ये इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए. सो इट्स अ प्रोसेस, तभी इवॉल्व होता है इंसान. एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सिनेमा हाउसेज, हम हर एक के बारे में बात करते हैं. सो दी आइडिया इज कि हर कोई जो है वो अपना इम्प्रूवमेंट करे अपने शोबे में. सो यही अप्रोच होती है. आज के लिए आई थिंक काफी हमने रिव्यू जो है उसको कर लिया. अब उमर जो है वो फिल्म देखेंगे और फिर हम उमर से नेक्स्ट वीक जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके क्या तासुर आते हैं. आपके देखने का बहुत शुक्रिया. आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी.